इस मिनी वीडियो लेक्चर में मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सीक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस के बारे में आपको बता दूंगा, क्योंकि इतना फ्रीक्वेंटली कंप्यूटर साइंस में आप इन दोनों वर्ड्स को सुनोगे तो मुझे लगा कि ये ऑल्दो थ्योरेटिकली सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया देने से आपको कुछ हर्ट नहीं होगा। तो पहला आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ, तब इनके डिफरेंसेस समझाता हूँ मैं। समझ लीजिए मेरे 26 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और ऐसा स्पेशल है कि हर एक इंग्लिश अल्फाबेट के नाम से एक ही फ्रेंड है, मतलब ए फॉर अमर, बी फॉर वरुण, सी फॉर चतुर, ऐसे ही चलता जाएगा, जेड फॉर जारा। अब मैं क्या कर दिया है इन सबको, इन सारे नाम के साथ मैंने फोन नंबर भी रखा है और मैंने ऐसे बक्से बना दिए हैं ए बी सी डी ई एफ ऑल द वे टिल जेड। बक्से ए में मैं अमर का डिटेल्स रखा हूँ, मतलब उसका नाम, एड्रेस और फोन नंबर। बक्से बी में मैं वरुण का रखा हूँ। बक्से सी में मैं चतुर का रखा हूँ। बक्से जेड में मैं, समझ लीजिए, जारा का होम एड्रेस फोन नंबर रखा हूँ। तो ये सारे बक्से क्लियरली ऑर्गेनाइज्ड है। मैंने मेरे फ्रेंड से कहा मुझे चतुर का फोन नंबर चाहिए, तो मेरा फ्रेंड क्या चाहे करेगा, सीधा इस बॉक्स, चतुर बॉक्स, समझ लीजिए ऐसा एक बॉक्स होगा, ठीक है, जिसका लेबल सी है, सी लेबल पे जाएगा, उस बॉक्स को खोलेगा और चतुर का नंबर बताएगा। तो मैंने क्या कर दिया, हर बॉक्स के ऊपर मैंने लेबल लिखा है, इस बॉक्स के ऊपर ए लिखा है, इस बॉक्स के ऊपर बी, इसके ऊपर सी, इसके ऊपर जेड। सो अगर मैंने चतुर की जगह, समझ लीजिए मैंने जारा का नंबर मांग लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सीधे इस बॉक्स पे जाएगा जिस पे ऊपर जेड लिखा है और जारा का फोन नंबर हमें बताएगा, ठीक है। तो ये टेक्निक हम क्या कहते हैं, अगर आप देखोगे ऐसा टेक्निक डिक्शनरी में भी थोड़ा बहुत यूज होता है। अगर आपको पर्टिकुलर वर्ड देखना है तो उस, अगर आपको वर्ड समझ लीजिए पेशेंस का मीनिंग देखना है तो आप सीधे पी तक जाओगे और पी के बाद आप एक वर्ड चेक करते जाओगे जब तक आपको पी ए टी आई ई एन सी मिल जाएगा। तो ये जो मेथड ऑफ फाइंडिंग था जिसपे हम सीधा वो इंफॉर्मेशन के पास चले जाते हैं, इसे हम रैंडम डेटा एक्सेस कहते हैं। अभी मैं इसका उल्टा बताता हूँ। समझ लीजिए मेरा एक कोई असिस्टेंट आ गया जो बिल्कुल बुद्धू था, उसने क्या कर दिया, ए के जगह में वरुण रख दिया, बी के जगह में यहाँ जरा का डेटा रख दिया और बाकी सबका ऐसे मिक्स करते रहा, मतलब जिसपे नंबर खाली था डब्बे में उसमें रखते गया वो। तो अगर समझ लीजिए मैंने उसे चतुर का नंबर मांग लिया, तब प्रॉब्लम क्या होगा, अगर वो डब्बे सी पे जाएगा सीधा चतुर नहीं मिलेगा क्योंकि वो कहीं भी कहीं चीज़ रखा है, मतलब किसी का फ़ोन नंबर किसी भी डब्बे में या बक्से में रखा है। तब उसे क्या करना पड़ेगा, हर बक्से में जाना पड़ेगा, बक्से खोलना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि चतुर का नाम है और उसका फ़ोन नंबर है या नहीं है। तो ऐसा कंपैरिजन जो हम हर बॉक्स को चेक करके तभी पता चलेगा कि हमारे डेटा है या नहीं, इसे सीक्वेंशियल डेटा एक्सेस कहते हैं, ठीक है। तो अब चलिए अब मैं बताता हूँ इसका डिफरेंस क्या है। तो सीक्वेंशियल डेटा एक्सेस, तो अगर आपको एक स्पेसिफिक नाम पे जाना है, समझ लीजिए आप हर नाम उससे पहले उसे चेक करना पड़ेगा कि क्या वही नाम है, अगर नहीं है तो तभी आप आगे बढ़ के उस नाम के पास जाना पड़ेगा। इसका रैंडम एक्सेस का फायदा क्या है, सीधा उसी डेटा आइटम के पास चला जाएगा। तो इससे क्या होता है, चाहे जो भी आइटम हो उसका रीच करने में एक फिक्स्ड यानी कांस्टेंट टाइम लगेगा। इसमें क्या होगा, अगर आइटम शुरुआत में हो, समझ लीजिए आइटम यहाँ फर्स्ट टू थ्री में है, तब मैं तुरंत उस आइटम के पास चला जाऊँगा। अगर आइटम सेवेंथ है तो मुझे हर आइटम कंपेयर करके तभी मैं सेवेंथ आइटम पे आ सकता हूँ। लेकिन रैंडम एक्सेस में चाहे आइटम यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो या यहाँ हो, मुझे फिक्स्ड यानी कॉन्स्टेंट टाइम लगेगा। अगला डिफरेंस, एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंशियल डेटा एक्सेस, आपका जो मैग्नेटिक टेप है तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, तो डेटा पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसा स्टोर होते जाएगा। तो मैं सीधा टेप को यहाँ जंप करके उसे रीड नहीं कर सकता, मुझे डेटा थ्रू स्कैन करके चेक करके आगे बढ़ना पड़ता है। आपका जो मेन मेमोरी है इस रैंडम एक्सेस मेमोरी प्रिंसिपल पे वो काम करता है।
ठीक है, अगर आपके घर में पुराने कैसेट प्लेयर हो, आपके मम्मी पापा से पूछिए पुराने कैसेट प्लेयर, क्या आप सीधे चाहे वो गाने पे जा सकते थे? नहीं, आपको हर गाना चेक करके चेक करना पड़ता था कि यही गाना है या नहीं है, यही गाना है या नहीं है, तब हम लास्ट गाने तक जा सकते थे। अब फायदा क्या है इस चीज का? जो डेटा एक्सेस सीक्वेंशियल होता है, जनरली मैग्नेटिक टेप, इसका कॉस्ट चीपर है और इसका कैपेसिटी बहुत होता है, क्योंकि डेटा वॉल्यूम बहुत होते हैं, जैसे पॉपुलेशन का डेटा, आप जनरली इसे मैग्नेटिक टेप या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे स्टोर करोगे। मैग्नेटिक टेप चीपर और इकोनॉमिकल और कैपेसिटी भी ज़्यादा है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि आपको फ़ायदा दे रहा है क्विक सर्चिंग का, उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होगा और कैपेसिटी बहुत कम है। ठीक है, लास्ट, आप ये नहीं कह सकते कि सीक्वेंशियल अच्छा है या रैंडम अच्छा है, ये बिल्कुल आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड होगा। सपोज आप समझ लीजिए आपके कंपनी में 25,000 एम्प्लॉई है, हर एम्प्लॉय का डेटा आप पढ़ के अगर उनका सैलरी कैलकुलेट करना चाहते हो तब सीक्वेंशियल ठीक है, क्योंकि आप एक एम्प्लॉय के बाद एक पढ़ के उनके सैलरी कैलकुलेट करके उनका पे स्लिप जनरेट करोगे। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ढूंढना चाहते हो तब रैंडम एक्सेस अच्छा है, क्योंकि सपोज आप समझ लीजिए रवि को ढूंढना चाहते हो तो तुरंत रैंडम एक्सेस से रवि के पास जाओगे। अगर ये मेथड यूज़ करोगे तो आप ऐसे एक के बाद एक को चेक करना पड़ेगा। ये देखिए रैंडम एक्सेस, मतलब सीधा वहाँ पे आप चले जाओगे। ये डायग्राम है कर्टसी क्रिएटिव कॉमन्स का और मैंने एक्नॉलेज करता हूँ। तो आई होप इसके साथ आपका सीक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस डेटा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ हो।